आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही यूनिक इवनिंग स्नैक्स लेके आई हूँ और वो बहुत ही खस्ता और नमकीन है। आई होप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे। पहले मैं ये एक कटोरा भर के आटा ले रही हूँ और आधा कप से थोड़ी ज़्यादा मैं ये मैदा ले रही हूँ। अभी यहाँ 5 टीस्पून मैं रिफाइन ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये खस्ता बनेंगे। और स्वाद अनुसार यहाँ पे मैं नमक डाल दिया। अभी अच्छी तरह से इसे मसल के ये इसे ऐड मिक्स करना है, तभी ये खस्ता बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, दोनों हाथों से मैं रगड़ रगड़ के ये। अभी देखिए यहाँ मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब ये ज़रूर ये खस्ता बनेंगे। अभी यहाँ पे मैं ये कालचीरा ऐड कर रही हूँ, जो नमकीन पे मैं हम लोग देते हैं वो कालचीरा। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी यहाँ मैं डो बनाने जा रही हूँ, थोड़ी लुकवार्म वाटर मैं ऐड कर रही हूँ। बस ये दो बन के रेडी हो गई है। अभी 10 मिनट के लिए इसे ढक देना है। यहाँ पे थोड़ी ऑयल लगाना है, तभी ये नहीं सूखेगी। दूसरी तरफ मैं आलू बॉईल करके रखी हूँ, अभी ये मैं कद्दूकस कर लूँगी। और कढ़ाई मैंने डाल लिया है, कढ़ाई पे मैं ये ऑयल डाल लिया है। और अभी यहाँ पे 2 बड़ा साइज़ का प्याज मैंने फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तेल मैंने ऐड नहीं किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सूखा जो रोस्टेड मसाला मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे है अजवाइन, ये जीरा है, ब्लैक पेपर है, ड्राई रेड चिली है और धनिया सीड्स है। और ये मसाला बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पाइसी है। नमक डाल दिया थोड़ा, और यहाँ पे मैं जो कद्दूकस कर लिया था आलू, वो मैं यहाँ पे ऐड कर लिया। अभी फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। बस अभी ये रेडी हो चुकी है मेरी आलू। दूसरी तरफ देखती हूँ ये डो कैसी बन रही है। अभी बस थोड़ी ये मसल रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट डो बन जाए। और एक एक लोइया बना लिया है, अभी मैं ये बेल लूँगी। बस रोटी के आकार देना है। अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रैपर लूँगी। आप लोग के पास अगर स्क्रैपर नहीं है तो आप नाइफ की पिछले हिस्से से भी आप लोग दे सकते हो। तो लेफ्ट और राइट में थोड़ा पोर्शन रख के बस ऐसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है। और यहाँ पे मैं डिज़ाइन देती जाऊँगी, उसे काटते जाऊँगी। देखिए ऐसे मैं ये डिज़ाइन बनाते जाऊँगी, काटते जाऊँगी, डिज़ाइन बनते जाएंगी। बस एक पर्सन हो गया है, अभी पिछला दूसरे पर्सन को मैं यहाँ पे काट लगा रही हूँ। बस 20 की हिस्से में अभी मैं खाली छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं आलू, जो आलू फ्राई किया हुआ आलू, यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे टैप कर देना है ताकि ये बाहर ना आए आलू को अच्छी तरह से। और जो मैंने ये काट करके रखा था, ये इसे मैं क्रिस क्रस करती जाऊँगी, बस ताकि ये आलू बाहर ना निकले। अच्छी तरह से क्रिस क्रस करती जाऊंगी। बस ये बहुत अच्छे डिज़ाइन बनते हैं ऐसे। तो आप लोग भी अगर चाहे तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसे, खाने में भी अच्छे हो तो डिज़ाइन भी अच्छे हैं साथ में, तो और मज़ा आ जाते हैं, है ना। तो बस ये क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। अभी मैं पिछले हिस्से को भी मैं अभी ढक दूंगी। यहाँ पे मैं
ऐसे लेके बस थोड़ा आगे करते हुए इसको भी लपेट लूँगी बस, और ऊपर की हिस्से को भी फिर ऐसे ही करूँगी। आलू को थोड़ी दबाऊँगी और इसे भी ढक दूँगी, हर पर्सन को भी ढक दूँगी ताकि ये आलू बाहर ना निकले। बस अभी ये सील हो चुकी है पूरी तरह, चारों तरफ ये सील हो चुकी है, ये आलू अब कभी भी नहीं निकलेगी बाहर। अभी मैं ये तीन रेडी कर लिया है, तीन स्नैक्स रेडी हो गई है। अभी मैं यहाँ पे कढ़ाई डाल लिया और ऑयल भी डाल लिया, और अभी मैं ये स्नैक्स में ये फ्राई कर लूँगी। बस ऐसे ही फ्राई करना है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, और लो टू मीडियम हीट पे इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं देना है, बस इसे हिलाते रहना है, उलट पुलट करते इसे फ्राई करना है। बस ये अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है, ये अभी बस हाफ कुक हो चुकी है, हाफ फ्राई हो चुकी है अभी, और थोड़ी ही टाइम बाकी है, हो जाएंगे। अभी तो होली आ रही है, आप लोग अगर चाहे तो ये स्नैक्स आप लोग ज़रूर बना सकते हो, और बहुत ही यूनिक स्नैक्स है ये, पेट भी भर जाते हैं एक खाने में, तो टाइम भी कम लग जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा बनाने से बेहतर है एक ही बनाए और पेट भी भर जाए जल्दी, और बहुत ही अच्छे देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस होली में आप लोग। तो ये रेसिपी आप लोगों को अगर ज़्यादा सा भी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।